मेडिटेशन प्लेस। कैनन बॉल ट्री हाय एवरीवन, आज मैं श्री श्री रविशंकर जी के वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं शूटिंग के लिए। तो आज हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं बैंगलोर घूमने। तो लेट्स सी बैंगलोर में क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे इतना भी पता नहीं है, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर इट। और यहाँ से एक वैन मिलती है जो श्री श्री रविशंकर जी का कैंपस है, वहाँ से तो हम विजयनगर जाएंगे, वहाँ से सारी चीज़ें आसपास हैं। सो लेट्स सी क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कैसी मिलती हैं उसके हिसाब से। हाय, तो आज हम लोग बैंगलोर घूमने जा रहे हैं और ये हमारे दोनों बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट हैं जो हम लोग सब साथ। मुझे लगा उम्दा का उम्र ये अभी हम लोग बस के लिए जा रहे हैं, यहाँ से बस मिलती है जो कि विजयनगर हमें छोड़ेगी, बट हमें हॉल्ट करके जाना होगा, मतलब हमें यहाँ से एक ऑटो लेना होगा और वो ऑटो जो है हमें बस स्टैंड तक छोड़ेगा, बिकॉज ये श्री श्री रविशंकर जी का कैंपस काफ़ी दूर है मेन शहर से। तो ये वो है और आपको मैं दिखाती हूँ, ये है इनका गेट नंबर 5, यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ से काफ़ी सारी बसेस वगैरह मिलती हैं। और तो हमने यहाँ से बस ले ली है जो कि बनी शंकरा तक जाएगी, वहाँ से फिर लोकल से घूमेंगे और मजे करेंगे और लोकल बनेंगे। अभी हम लोग बस पर हैं, ठीक है, यहाँ से दूसरी विजयनगर की बस लेंगे। हमने 70 rupees की टिकट बनवाई है और ये जो है आप कहीं भी ऑल ओवर बैंगलोर घूमते रहें, आप ये सब कार्ड दिखा करके घूम सकते हैं। हाय, तो अभी हम लोग बनशंकरी मंदिर में पहुँचे हैं जो कि हमने बताया था कि बस स्टॉप से लेकर के बस मिल जाती है आपको डायरेक्ट वहाँ से, श्री श्री रविशंकर जी के वहाँ से। और मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये मंदिर है, यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है। सो दिस इज द मंदिर, ये देखो आप, अभी अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे क्या फेमस है, किस वजह से किसका टेम्पल है, बिकॉज मुझे इतना यहाँ का नहीं आइडिया, बट लेट्स सी। यहाँ से मंदिर शुरू है, ये शनि देवता है हमारे, आप सब भी दर्शन करें। बैंगलोर आओ और नारियल पानी ना पियो, ऐसा क्या। ये देखो बनीशंकरी मंदिर से हम लोग अभी बस वापस से लेकर के जा रहे हैं मेन मार्केट में, वहाँ से हम लोग जाएंगे बुल टेम्पल। तो मैं जब बुल टेम्पल में आऊँगी तो मीट यू, बाय बाय। बुल टेम्पल
So this is Bull Temple Prasad जो हमें मिल गया है करके जस्ट रिटर्न हो रहे हैं। फाइनली थोड़ी भीड़ बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी, हमारा पहले हम लोगों ने दर्शन कर लिया। आई थिंक आज आज तक हमने इतना बड़ा नंदी नहीं देखा, नहीं देखा। हाँ प्रसाद थैंक यू थैंक यू। इनका कोई पीनट फेस्टिवल होता है, जो मान्यता है कि जो सबसे पहला पीनट इनसे जो ग्रो करेंगे वो दान देंगे यहाँ पे। तो ये बेसिकली सो दिस इज पीनट फेस्टिवल विच वी आर टॉकिंग अबाउट। सो यू कैन सो कंफ्यूज कि हम किधर जाएं, क्या खाएं, क्या ना खाएं। आई गेस दिस इज पान की दुकान, लेट मी शो यू। टन 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 टन। तो हम लोग मंदिर से आने के बाद अभी आए हैं मार्केट में। मार्केट बिल्कुल पास में ही है यहाँ पर और वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आप बिल्कुल भी ऑटो लेने की ऐसी गलती मत कीजिएगा। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है क्योंकि बहुत भीड़ है, तो ऐसे भी आप फंसेंगे और वैसे ही फंसेंगे, तो इससे बेटर कि आप पैदल चल कर आएँ। और अभी हम आए हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट में, जो कि जिनका नाम क्या है, सखत। मैं पुलाव ट्राई करने वाली हूँ, लेट्स सी कैसा है। ओके नॉट बैड बट नॉट सो गुड। सो फाइनली आई एम बैक और यहाँ पे भी हम वैन का वेट करेंगे जो कि हमें अपने वासुकी तक पहुँचाएगा। ये मेन गेट से अभी एंटर किए हैं, हमारा आज का ट्रिप जो है वो फिनिश होने वाला है। यहाँ से हम आश्रम की तरफ एंटर कर चुके हैं और दिस इज रिसेप्शन एरिया जहाँ पे आप कोई भी कार्ड बनवाना है, या जैसे यहाँ पे ना वैन चलती है जो कि अंदर अंदर आपको जहाँ पहुँचाना है वो पहुँचा देगी, क्योंकि ये आश्रम बहुत बड़ा है। और आपको ये दिखाती हूँ छोटा सा, ये ध्यान मंदिर का इतना बड़ा सा कैंपस है, तो यू कैन इमेजिन कि बाकी चीज़ें कितनी बड़ी होंगी। नाउ आई एम गोइंग